मैं एक बच्चा देख लिया, बहुत होशियार है, जरा काला है, वो बात अलग है, मगर अपनी बच्ची को बहुत अच्छा रख लेता हूँ। ये स्टोरी मेरे को अपने किरायेदार से मिलती जुलती दिख रही, क्या उन्हें तो नहीं होता वो बच्चा? ओ भाई, भाई, बहुत भारी। ना मम्मी पी ना करो मेरे को। भाई बहुत भारी मेरे को। पहली नजर में नम्मू को हो गया था प्यार, वो भी मकान मालिक की बेटी से। ये रही मुसीबत की पहली शुरुआत। मकान किराए पर लेने के बाद मरियम को मालूम हो गया था कि नम्मू पहले से शादीशुदा है। नम्मू तो झूठ बोलकर मकान किराए पर तो ले लिया, ये रही दूसरी मुसीबत। अब मरियम को छुप छुप कर देखना, बात करने के बहाने ढूंढना, चाय पीने के बहाने बातचीत करना, और उसको तो और दीवाना बना दे। मुसीबत पे मुसीबत बढ़ते जा रही है। फिर नम्मू ने सोचा कि मरियम को सब सच सच बोल देना बेहतर रहता। नम्मू ने मरियम को सब सच सच बता दिया। अब मरियम और नम्मू की शादी होती या नहीं, आगे देखेंगे। इनकी पहली बीवी को शक नहीं होना बोल के माँ का दर्जा दिया जी, और ओनर साहब क्या करते हैं मालूम है? चले जाओ बोल के बोलते हैं इनको। मैं बोला अच्छा नक्को जाओ, कैसा भी तुम रहना बोल के रुका के रखो मैं, जब तक पारवीन आंटी यहाँ पे है ना, ओनर कुछ भी नहीं कर सकता जी मेरे। तो और भी आसान हो गया तुम्हारा काम, इसलिए रुका के रखे ना जी मैं इनको। एक काम करेंगे भैया, मुबारक अंकल को बुलाएंगे, एक जबरदस्त प्लान बनाएंगे अपन, क्या बोलते? अगर उन्होंने नहीं माने ना, उनके पहली बीवी को बोल देंगे कि दूसरी बीवी है बोल के, पहली बीवी को जाके बोल देना कि दूसरी शादी करे बोल के, उसी दिन उनको घर से निकाल देते मालूम है। अगर अपना बात पूरा सुन लिया समझो, तो डायरेक्ट जाके उनके पहली बीवी को पूरा समझा देते। फिर सही बोलते रहे बड़े लोग, गांव वाले बहुत होशियार रहते बोल के। मेरे दिमाग में कैसा नहीं आया ये आइडिया, मगर मेरे पास भी एक जबरदस्त प्लान है, बोलता हूँ तुम लोगों को और सुनो। तुम लोग मेरे को अर्जेंट बुलाए तो ऐसा दिख रहा कुछ खपला है। देखो अंकल, आपकी बेटी को इससे अच्छा बच्चा नहीं मिलता, आपकी बेटी की शादी इससे करा दो। बोलो मैं नहीं कराता, ये झूठे से मैं कभी शादी नहीं कराता मेरी बच्ची की। ठीक है लो, अगर आप नहीं करने का रेडी है ना, मैं डायरेक्ट जाके तुम्हारी बीवी को बोले तो ये तुम्हारी दूसरी बीवी है बोल के, उसके बाद का जिम्मेदारी मैंने लेता। फिर बच्चे भी साइंस बोल रहे ना जी, एक ना एक दिन तो बच्ची के हाथ पीले करने पड़ता ना। ये बच्चा तो दिल से सच्चा दिखा, देखो मेरे को काम ही थे जी आजकल ऐसे बच्चे, ना सिगरेट पीता, ना गुस्सा खाता, ना बीड़ी पीता, इतना अच्छा बच्चा तुम्हें कहां से मिलेगा? अच्छा है बच्चा, और ये घर में आया जब से तो तुम देख रहे हो इसको। मेरी बेटी को उसकी अम्मा को मालूम है ना पहले से शादीशुदा है, और उन लोग ये भी मालूम है मैं बैचलर हूं, घर नहीं देता। अगर मैं ये बोला ना तो मेरा जनाजा निकल जाता। आप नहीं बोले तो भी आपका जनाजा निकलता, बोले भी तो निकलता। उससे अच्छा हमारी प्लानिंग सुन लो, दोनों जगह सेफ रहते, किसी को कुछ भी मालूम नहीं होता। मैं ये बच्चों से सहमत हूँ, अगर मेरी बेटी रहती थी मरियम तो मैं खुशी खुशी बच्चे की शादी करा देती थी। काई को जी, मरियम क्या आपकी बेटी नहीं होती क्या? होती मगर ये अगर मगर में टाइम निकल जाता। लो अंकल तुम जाओ, हम ना यही वेट करते, जो भी है पूरा खुला खुला बोल दे के आ जाओ। ठीक है अब तो मैं जाता हूँ, तो वापस आता हूँ नहीं आता हूँ कोई भरोसा नहीं है। मेरी मजबूरी है जाके बात करने की, मैं आता कि नहीं की। अरे वो लोगों को तो पहले से शादीशुदा है बोल के बोला, ऊपर से अंकल को भी एक फोटो बता दिया ये मेरी बीवी है बोल के, तेरे घर वाले भी रिश्ता भेज दिए। तू शादी कर रहा है या शादियां कर रहा है भाई? हमारे से एक जैसा बोल रही, तू इतने शादियां कर लिया? जैसा मैं दिखता ना भैया वैसा नहीं हूँ मैं, मगर जैसा हूँ वैसा नहीं दिखता मैं। हाँ 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 आपा फोटो पर लेना, हाँ हाँ भेज देती भेज देती। अच्छा अल्लाह। देखो बेगम साहिबा, तुम बोलते थे ना मेरे को अपने बच्चे के लिए रिश्ता देखो बोल के, और तुम ये भी बोलते थे मेरे को बैठ बैठ के इफ्लासी हो जा रहा बोल के। मैं एक बच्चा देख लिया, बहुत होशियार है, जरा काला है, वो बात अलग है, मगर अपनी बच्ची को बहुत अच्छा रख लेता हूँ। तुम बोले तो मैं बात आगे बढ़ाऊँ क्या? तुम्हारा कब से फिक्र हो गई जी,
पहले से फिक्र है तो बच्ची की शादी हो जाती थी। वैसे बच्चा कौन है, कहाँ रहता, कैसी है फैमिली, क्या करता बच्चा, दरियाफी करना पड़ता। तुमको कहाँ से मिल गया जी, बैठे जगह बच्चा। तुम नहीं मारते बोले तो मैं बोलता हूँ। हाँ बोलो। मेरे को डर भी है एक और फसली तुड़ती बोल के। देखो जो भी मैं बोल रहा ना सोच समझ के बोल रहा हूँ। देखो पहले मैं सोचता था कि वो बच्चा शादीशुदा है बोल के, बाद में मालूम हुआ उन्हें शादीशुदा नहीं है बोल के। इसके बारे में मेरे को मालूम हुआ उन्हें अपनी बच्ची को बहुत पसंद करता बोल के, रानी के जैसा रख लेता करते। मैं पहचानती हूँ क्या वो बच्चे को? बहुत अच्छी तरह से पहचानते बेगम। ये स्टोरी मेरे को अपने किरायेदार से मिलती जुलती दिख रही, क्या उन्हें तो नहीं होता वो बच्चा? देखो तुम वादा करे मेरे को नहीं मारते बोल के। उन्हें तो पहले से शादीशुदा है ना जी। नहीं उन्हें शादीशुदा नहीं है, उन्हें अपने घर में रहने के लिए शादीशुदा है बोल के आया। तुम्हारे को मालूम है क्या ना जी, मैं शादीशुदा वालों को कुछ घर देता हूँ बोल के। उन्हें झूठ बोल के अपने पास किराए से रह रहा था, अब उसको जॉब भी आ गई हैदराबाद में, अपनी बच्ची को भी अच्छा देख लेता ना जी। अगर ये बात तुम बोले सो सच है तो ये बच्चा मेरे को पसंद। मंजूर है ये रिश्ता? हाँ हाँ मंजूर। यस मुबारक। बुलाए मेरे को। मुसीबत मुसीबत गल पड़ी मुसीबत 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 एक और मुसीबत। नमो। आप कौन जी? मैं समीरा। एक और मुसीबत। ये लो एक और मुसीबत, हाथी निकल गया दुम अटक गई। अब इनको भी अभी आना था। अब इनके बारे में आपको मालूम होना है तो नेक्स्ट सीजन में देख सकते हैं आप। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। मुसीबत मुसीबत देखते जाओ मुसीबत 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 एक और मुसीबत।